हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम एक मिलाज का जो पहले बताए थे उसका दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे दूसरा टॉपिक आएगा मिलाज का हम बताए थे प्रोसेस के बारे में आज जो बताने जा रहे हैं मिलाज में हमको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और उसका सल्यूशन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताएंगे और इसका हेड सब देख लीजिए एक एक करके जैसे शेड अप एक प्रॉब्लम है मतलब मटेरियल अपना जो शेड बनाया है पार्टी का कपड़ा के साथ मैच ही नहीं किया शेड वेरिएशन शेड वेरिएशन मतलब हो गया कपड़ा में अलग अलग तरह का दिखना पैची वेब दिखना क्लाउडी दिखना और उसमें मतलब बराबर मिक्सअप नहीं हुआ शेड बराबर मिक्सअप नहीं हुआ या गलत फाइबर डल गया ये सारी चीज़ का आता है उसके बाद आता है नेप्स नेप्स होता है आपको मिलाच के प्रोसेस में पता है नेप्स कैसे कम किया जाएगा क्या करेगा तो नेप्स ज़्यादा रहेगा वो भी प्रॉब्लम है उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे कंटामिनेशन कंटामिनेशन मतलब ये हो गया जैसे लाइट सेड चल रहा है डार्क शेड का फ्लाई उड़ के लग गया या डार्क चल रहा है लाइट का फ्लाई उड़ के लग गया या मशीन का बराबर क्लीनिंग नहीं के वो अलग कलर का कंटामिनेशन लग गया तो वो सब दिक्कत जाता है एक रहा होल्स प्रॉब्लम होल्स प्रॉब्लम होता है बीच बीच में क्या होता है जैसे अपन नेटिंग में धागा देते हैं कभी कभी एक एक बड़ा बड़ा छेद जैसा दिखता है छेद इसीलिए दिखता है कि बड़ा साइज़ का नेप्स रहता है या अनओपन फाइबर रहता है उसके लिए होल्स आता है वो भी बड़ा डेंजर रहता है नेटिंग के लिए और छठा पॉइंट रहा स्पाइरल टी।, टी ये होता है जैसे अपना आ, कभी देखना आप सिंगल जर्सी टी शर्ट पहनते हो वो साइड से ऐसे मुड़ जाता है ऐसे करके मुड़ जाता है मुड़ जाने से क्या होता है इसको टी बोलते हैं कभी भी सीधा करके पहनो तो सीधा नहीं होता अपना मुड़ जाता है वो स्पाइरल्टी कैसे होता है इसको कैसे ओवरकम करेंगे वो भी बताएंगे एन सी भी अगर आपके ज़्यादा रहेगा मोटा पतला रहेगा तो निटिंग में ब्रेकर ज़्यादा होगा और एन के कारण कपड़ा का अपेरेंस भी ख़राब हो जाएगा उसके बाद आया हायर आईपीआई आईपीआई भी अगर ज़्यादा होता है तो कपड़े का लुक जो होता है ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है तो आईपीआई भी टारगेट के अंदर रहे ताकि कपड़ा की देखने में कोई दिक्कत नहीं जाए उसके बाद रहा ब्लड वेरिएसन ब्लैड वेरिएशन एक एक पे क्या होता है जैसे पीसी सी मिला जला तो साम लोग पैंसठ पैंतीस बना रहे तो पैंसठ पैंतीस ब्लैंड नहीं हुआ तो अलग ब्लेंड आ गया ब्लेंड कहीं गलत फाइबर डल गया उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताएंगे उसके बाद आया रंग गेटिंग रंग गेटिंग भी बड़ा प्रॉब्लम है ये मैनुअल एरर है तो रंग गेटिंग क्या होता है एक कलर का माल चल रहा है दूसरा कलर माल से अपन गेटिंग मार दिए डफिंग के बाद सलाई मारते हैं ना गेटिंग मार दिए तो उसमें भी वो कपड़ा खराब हो जाता है पूरा पूरा एक लाइन जैसा आ जाता है कपड़ा में वो खराब हो जाता है ये हो गया दस पॉइंट मेजर पॉइंट है उसके बाद अपन एक एक पॉइंट का समझाएंगे ये अपना बिलाज का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन का बता रहा था उसका सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा था सेड ऑप सेड ऑफ क्या चीज होता है पहले समझिए सेड ऑप ये होता है जैसे अपन को एक पर्टिकुलर कलर का मटेरियल बनानी है और वो कलर का मटेरियल जो प्रोसेस में लेंगे वो पार्टी ने जो ऑर्डर प्लेसमेंट किया कि अपन को ये चाहिए तो सैंपल भेजता है पार्टी वो पार्टी के साथ अपना जो प्रोसेस का मटेरियल बराबर मैच होनी चाहिए वो अगर बराबर मैच नहीं होता डिफर करता है तो इसको अपन सेड अप बोलते हैं वो शेड अप पकड़ में कब आता है जब फिनिशर का ड्राइंग में अपना मटेरियल निकलता है प्रोसेस से इसको हम तुरंत सिम्पलेस में एक दो पेटी चला के रिम फिर में थोड़ा सा चला के उसका एक छोटा सा मोजा बना लेते हैं फिर इसको वॉशिंग करके देखते हैं और पार्टी का सैंपल से मिलाते हैं मिलाने के बाद मालूम पड़ता है कि मैच हो रहा है नहीं हो रहा है अगर मैच नहीं हो रहा है वो पूरा पूरा जो फिनिशर तक जितना भी माल चला फिनिशर ड्राइंग ब्रिकट ड्राइंग कार्डिंग ये सारी मटेरियल पीछे चलाता है मिक्सिंग में फिर मिक्सी में जाने के बाद क्या होता है फिर डाई हाउस भेजते हैं इसको री मैच के लिए जो कंपोनेंट कम है जो भी दिक्कत है वो डाई हाउस वाला इसका सोलूशन निकाल के आपको दोबारा मिक्सी देते हैं ये वेस्टेज अब पावर और वेस्टेज अब मैन पावर और इस पर प्रोसेस खाली होता है प्रोडक्टिविटी भी लॉस होता है सारी उसे बड़ी प्रॉब्लम आता है मिलाज में और सबसे पहले देखिए सेड ऑफ का कारण क्या क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक तो हो गया रॉन्ग कंपोनेंट आइडेड जैसे समझ लीजिए अपन चार वेराइटी का फाइबर लेते हैं एक मिक्सिंग में उसमें कंपोनेंट में जैसे सेट नंबर रहता है चार्ज नंबर रहता है अगर कंपोनेंट में कुछ थोड़ा सा उन्नीस बीस फाइबर किसी दूसरा कलर का चला गया तो उसमें सेट वेरिएशन आ जाएगा तो ये कंपोनेंट बिल्कुल बराबर देख के लेना है जैसे डाई हाउस से एक मेमो आता है जैसे चार प्रकार का फाइबर होगी तो कौन सा मटेरियल कितना कितना है और सारे मटेरियल लिए नहीं लिए पूरा बराबर वजन करने का जैसे समझ लो तीन टन का मिक्सिंग लिए तीन टन का मिक्सिंग लिए तो ए बी सी डी चार वेरायटी का फाइबर लिए और जितना जितना के जी है ये पाँच सौ किलो है समझ लो ये छः सौ पचास किलो है जैसे भी है वो बराबर लेनी है अगर बराबर नहीं लेंगे गलत है कि समझ लो तीन वैरायटी डाल दिए एक वेराइटी छूट गया तो उसमें भी दिक्कत हो जाता है तो इसी कारण शेड वेरिएशन होता है गलत कंपोनेंट के कारण दूसरा चीज़ हो गया हाई मॉइस्चर इन फाइबर हाई मॉइस्चर इन फाइबर क्या देखो जैसे कटन में अपन आठ परसेंट तक मॉइस्चर अलाउ करते हैं फॉर एग्जांपल मॉइस्चर एक कंपोनेंट आप चार पांच वेरायटी का कंपोनेंट मिक्सिंग लगाते हो एक समझ लो आप एक कंपोनेंट में मॉइस्चर चौदह परसेंट है बोले डाई हाउस डाई करके दे दिया इसको ड्रायर में चलाया नहीं सुखाए नहीं दे दिया तो चौदह परसेंट जो मॉइस्चर आया उसका कंपोनेंट संभल लो अपन चार सौ किलो लेडी थी तो चार सौ के जी अपन ले लिए लेकिन उस फाइबर में चौदह परसेंट मॉस्चर रहा तो अपन को आठ परसेंट चाहिए था बाकी तीन वेराइटी में आठ परसेंट है तो जब चौदह परसेंट मॉइस्चर आप चार सौ किलो यूज़ कर लोगे तो क्या होगा जब प्रोसेस में जाएगा चौदह परसेंट मॉइस्चर उड़ जाएगा कम हो जाएगा कम हो जाएगा तो रियलिटी में क्या होगा चार सौ का फाइबर आपको एक्चुअल मिला नहीं तो कम मिला कम मिलने से फिर शेड वेरिएशन आ जाएगा उसका एक ही उपाय है जैसे आपकी मॉइस्चर ज़्यादा है तो 400 किलो में समझ लो चौदह परसेंट है अगर 8 परसेंट होता है तो कितना ये कम हो जाएगा 6 परसेंट और घट जाएगा इसमें तो उतना परसेंट अपन को आठ परसेंट वाला मॉइस्चर का फाइबर दोबारा लेनी पड़ेगी उसी के साथ जोड़ के लेना पड़ेगा मतलब हर कंपोनेट का मॉइस्चर चेक करना जरूरी है बिफोर मिक्सिंग मिक्सिंग लगाने से पहले हर कंपोनेट का मॉइस्चर चेक करना जरूरी है अगर मॉइस्चर चेक नहीं करोगी आप धोखे में रहोगी और शेड वेरिएशन सेड ऑफ हो जाएगा तो मॉइस्चर चेक करके जितना कम है फाइबर हाँ जितना कम पड़ेगा हाई मॉइस्चर वाला तो उस कंपोनेंट का उतना लेनी पड़ेगी सैम्पलिंग नॉट प्रॉपरली डन समझ लो अपन कोई भी मिक्सिंग लगाते प्रोसेस में लेते हैं उससे पहले हम 10 किलो 15 किलो का 20 किलो का जो भी है सैम्पल तैयार करते हैं और सैम्पलिंग समझ लो गलत हो गया तो ऑब्वियसली प्रोसेस में जो माल है वो भी गलत हो जाएगा तो सैम्पलिंग चलाने के टाइम में डेवलपमेंट है स्कूल का आदमी बड़ा ध्यान के साथ सैम्पलिंग करे ताकि सैम्पलिंग में मिस्टेक ना हो सैम्पलिंग में मिस्टेक होगा पूरी सेट खराब हो जाएगा दूसरा चीज़ रहा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिए पचास के जी अडवास 50 पचास के जी क्या है समझ लो आपने पाँच टन का मिक्सिंग लगा एग्जाम्पल तो मिक्सिंग पूरा पूरा आप यूज नहीं करना पहले उसी में से पचास किलो काट के एडवांस में चला लेना वो पचास किलो पूरा ड्राइंग फिनिशर तक जाएगा उसका सिम्पलेस में थोड़ा सा दो चार पेटी चला के रिम फिर में चला के मोजा बना के पहले मैचिंग करने का मैचिंग करने के बाद अगर सही आया शेड तब तो पूरी पूरी माल चलाना अगर गलत आया तो क्या गलत है उस उतना अपन डाई हाउस में बता देंगे वो करेक्शन करके इसको सही कर देंगे मतलब पचास पाँच टन का माल खराब होने से बच जाएगा अगर एडवांस सेम्पलिंग करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ बड़ी लॉट रहता है जैसे 500 किलो हजार किलो में अपन एडवांस सैंपल नहीं चलाते तीन टन से है। तीन टन चार टन पाँच टन बड़ा लॉट है तो इसमें एडवांस सैंपल चलाना बहुत जरूरी चीज है पाँच नंबर पॉइंट हुआ रंग सेड ओ स्टार्टेड समझ लो अपन एक सेड अपन चला रहे रेड कलर का उसमें अपन उसी कलर का सॉफ्ट वेस्ट अपन डालते कि इसमें तीन परसेंट जाता है कि इसमें पाँच परसेंट इसमें सात परसेंट समझ लो सॉफ्ट वेस्ट अपन जो मटेरियल के साथ इशू किए उस सॉफ्ट वेस्ट में थोड़ा मिक्सअप है या कुछ गड़बड़ है या थोड़ा अलग तरह का शेड है अगर वो डल जाता है पूरा पूरा शेड ख़राब कर जाता है तो सॉफ्ट वेस्ट भी बढ़िया से इसको चेक करके डालना ज़रूरी है रंग परसेंटेज आप कंपोनेंट एडेड रंग परसेंटेज वही बताया था आपको जैसे पांच वेराइटी का अपन मटेरियल लेते हैं समझ लो ऐसे 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 लिए अपन ए हो गया तीन टन का हो गया पाँच सौ के जी साढ़े छः सौ के जी तीन सौ के जी हाँ ये हो गया ढाई सौ के जी ऐसे ही ऐसे अपन के जी लेके तीन टन का लिए समझ लो अपना क्या लिख रहा है रंग रंग परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट एडेड समझ लो इसका जो परसेंटेज है समझ लो कोई बीस परसेंट कोई दस परसेंट है कोई बारह परसेंट ऐसे ऐसे है तो इसमें अगर परसेंटेज में थोड़ा गड़बड़ हो गया समझ लो पंद्रह परसेंट डालना था दस परसेंट डल गया पंद्रह परसेंट डालना था बीस परसेंट डल गया तो उसी कलर का फिर शेड अलग हो जाएगा वो शेड अब का और एक कारण यही रहता है रंग परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट एडेड अच्छा सात नंबर पॉइंट हो गया देखिए लट्टीस ब्लेंडर और ब्लोरम का हैवी फाइबर्स कंज्यूम टाइम टू टाइम वो क्या होता है जैसे समझ लो आप पी का माल चला रहे हो तो पॉलिस्टर का माल क्या होता है वो लटिस के साइड में गिरता है तो इसको क्या करना आपको हर आधा घंटे में एक घंटे में कारीगर को बोल के रखे जो नीचे गिरता है इसको उठा के बढ़िया से लटिस में बिछा के डाल दें ताकि उसके शेड का अंतर ना पड़े आगे जा अगर अपन आठ घंटे में एक बार निकालेंगे आठ घंटे में निकाल कर डालेंगे तो अलग कलर आ जाएगा तो इसको हर आधे घंटे में निकाल निकाल के लैटिस में फिर डाल का चाहे वो ब्लेंडर हो या रूम का लाटीस हो अप मटेरियल डिस्पोजल अगेन इन मिक्सिंग आपको बताया था जो मटेरियल सेड अप हो गया इसको बोरा भर के तोड़ तोड़ के बोरा भर के इसको वापस आर एम जी भेजा जाता है उसका सैंपल जाता है इस, उसमें या डेवलपमेंट में जाता है फिर डाई हाउस में जाता है वो लोग फिर चेक करते उसमें क्या कमी रह गया फिर वो जो कमी रहता है जैसे समझ लो एक फाइबर कम डाला तो उसको थोड़ा ऐड करके सैंपलिंग करेंगे सही होने के बाद फिर उसको फिर अपन को मिक्सिंग देंगे और उसमें लिखेंगे कि शेड ऑफ़ मटेरियल जो है शेड ऑफ मटेरियल 80 परसेंट दिए और फ्रेश वाला फाइबर फिर 20 परसेंट दिए ऐसे लिखा रहेगा क्योंकि शेड ऑफ़ मटेरियल जब चलाएंगे अपन को बहुत लॉस होता है क्योंकि ऑलरेडी अपना स्लाइवर बना चुके हैं तो इसको फिर प्रोसेस करेंगे स्पीड वगैरह कम आता है फ्लाई जनरेशन होता है बहुत प्रॉब्लम आता है सेड ऑफ का मटेरियल फिर रीमिक्सिंग होता है वो है, होता है उसके बाद आया री मैच अप सेड बाई डाई हाउस वो बताया आपको डाई हाउस वाला इसको क्या करते है? री मैच करते सेकेंड पॉइंट मिलान्स का जो प्रॉब्लम है सोल्यूशन का सेकेंड पॉइंट है सेड वेरिएशन सेड वेरिएशन भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है सेड वेरिएशन का कारण बहुत होता है उसका दस मेजर कारण मैंने दिया सबसे पहला देखिए एक तो ओपनिंग अप डायड पार्ट प्रॉपर ओपनिंग जैसे आपको मिलान प्रोसेस में पता था जो डायड पार्ट स्लाइवर होता है वो डाई होने के बाद पूरा चिपक जाता है एक दूसरे से फाइबर चिपक जाता है अगर इसको अपन बराबर ओपन नहीं करेंगे ब्लेंडर में तो मिक्सिंग में दिक्कत आएगा कहीं कहीं ऑन अपन फाइबर आ गया तो सेट वेरिएशन जैसा आ जाता है तो ओपन करके डालने का दूसरा चीज़ रहा स्प्रेंड इविल्ली ऑन लेयरिंग रूम जब अपन लेयर करते हैं ब्लेंडर में हर कंपोनेंट अपन मिला के सौ किलो का लेयरिंग लगाते हैं ना इसको ब्लेंडर में डाल के लेयरिंग रूम में जब डालते हैं तो इसको पूरा कमरे के अंदर पूरा बिछा के डालने का बराबर यूनिफॉर्मली डाल लेगा कहीं डाल दिया कहीं ये नहीं हुआ वो गलत हो जाता है मतलब जैसे लेकर डालेगा ना एक आदमी अंदर रहेगा इसको खाली फैलाता रहेगा ऐसे ऐसे पूरा चारों तरफ करके पूरा कपड़ा साइज पूरा भर देगा तो यूनिफॉर्मली इसको फैलाने का है आड वेस्ट यूनिफॉर्मली आपको मिलाज की प्रोसेस में मिक्सी में मैंने समझाया था जो वेस्ट होता है जो उसी शेड का वेस्ट अपन डालते हैं और पहले देखने का कितना परसेंटेज का वेस्ट जाता है सो मो तीन टन का मिक्सिंग है अपन पाँच परसेंट डाल रहे हैं तो तीन चार लेयर के बाद एक बार वेस्ट अपन फैला के डालेंगे पूरा फिर तीन चार लेयर हो गया फिर फैला के डालेंगे तो बराबर यूनिफॉर्मली फैलाएंगे कमरे के अंदर पूरा विथ में लेंथ में जितना कमरा है पूरा फैला के डालेंगे और बराबर वजन करके एक एक लेयर में डालेंगे मतलब तीन चार लेयर में एक बार डालो फिर तीन चार लेयर में एक बार डालो वो का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली होना चाहिए उसके बाद आया वर्टिकल कटिंग ऑफ लेयरिंग फर्स्ट सेकंड टबलिंग या फाइनल टबलिंग वर्टिकल कटिंग क्या है उस टाइम मैंने मिक्सिंग में बताया था जैसे ये मिक्सिंग का बीन है अपन तीन टन का मिक्सिंग लिए है तीन हजार के जी का लिए वो लेयरिंग रूम हो और टपलिंग रूम हो जैसे अपन माल काट के लेंगे ना ऐसे करके काटेंगे पूरा सीधा जैसे केक काटते हैं ना ऐसे ही ऐसे ऐसे काट के ऐसे ख़त्म करते रहेंगे ऐसे ऐसे काटेंगे पूरा फट्टी का ऊपर से नीचे तक ऐसे ही काटेंगे काटेंगे तो जो उसमें जैसे कोई कंपोनेट कंपोनेंट बराबर मिला नहीं होगा जैसे काट के नीचे ले लेंगे फिर इसको मिला के हाथ में लेके डालेंगे तो अपना मिक्सअप हो जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हर चीज़ में लगेगा देखो लेरी रूम में लगेगा फर्स्ट में सेकंड में मतलब हर दोनों टपलिंग में लेयरिंग तीन, में तीनों तीनों स्टेज में वर्टिकल कटिंग बहुत जरूरी है उसके लिए आपको जो मिक्सिंग में माल डालने वाला है या ब्लोर में माल डालने वाला है इनको बराबर समझाते रहना नहीं समझाएंगे वो लापरवाही कर देंगे और उसमें सेड वेरिएशन आ जाएगा अच्छा पाँचवा पॉइंट हुआ सिंगल टपलिंग नॉट अलाउड एक चीज़ देखिए जैसे मिलाज में अपन कभी कभी चार पाँच छः सात वेरायटी का मटेरियल लेते हैं अगर अपन एक बार जैसे लेयरिंग कर दिया एक बार इसको टपलिंग कर दिया तो ये हुआ सिंगल टपलिंग तो लेयरिंग के बाद एक बार टपलिंग करते फर्स्ट टपलिंग उसके बाद फाइनल टपलिंग या सेकंड टपलिंग करते तो कभी शॉर्टकट नहीं मानना कि मटेरियल कम है एक टपलिंग करके माल दे देते लाइन में चल जाएगा ऐसे कभी नहीं करना सिंगल टपलिंग में असर धोखा खा जाते हैं हम लोग सेड वेरिएशन आता है मटेरियल बराबर मिक्सअप नहीं होता एभव वन थाउजेंड के जी साइज थ्रू यूनमिक्स तो यूनमिक्स का थ्रू अपन को एक हज़ार किलो से ऊपर जो फाइबर मिक्सिंग लार्ज साइज है यूनमिक्स का थ्रू लेते हैं ब्लोरूम में यूनमिक्स का थ्रू लेने से क्या होता है इसको अपन यूनमिक्स को मिक्सचर भी बोलते हैं वो बराबर लेयर बाय लेयर जमा होता है फिर एक तरह से काट काट के मटेरियल मै आगे काटिंग के लिए जाता है तो एनिमिक्स में जो भी थोड़ा बहुत कमी रहता है ना वो मिक्सअप हो जाता है बढ़िया से सेड वेरिएशन कंट्रोल हो जाता है और बिलो एक था, वन थाउजेंड के जैसे एक हज़ार से कम लर्ड साइज का है उस केस में तो कभी कभी मतलब कभी भी फास्ट टपलिंग के बाद चलाना नहीं डबल टपलिंग मस्ट क्योंकि एक हज़ार से नीचे वाला मटेरियल अपन यूनिमिक्स में नहीं डालते बाईपास करके चलाते क्योंकि यूनिमिक्स में आठ सौ हज़ार किलो ऐसे ही खा लेता है तो इसीलिए अपन बाईपास चलाएंगे इसीलिए उस केस में कभी सिंगल टपलिंग करना ही नहीं है उसके बाद रहा रैंडमाइजेशन फॉलो इन कार्डिंग ड्रफ है अपना कार्डिंग है ड्रप है ब्रेकर फिनिशर तीनों स्टेज में कार्डिंग डिब्बा नंबर से डाले फिर ब्रेकर में नंबर वाइज डिब्बा लगाए कोई डिब्बा रिपीट ना हो या कोई समझ लो एक से आठ तक कार्डिंग का नंबर है डिब्बा का अपन पाँच नंबर का तीन डिब्बा ठोक दिए या दो नंबर का दो डिब्बा ठोक दिए ऐसे नहीं करना सबका एक एक डिब्बा लगे रैंडमाइजेशन ख़राब नहीं करनी अगर डिब्बा कम पड़ता है ड्रिंक थोड़ी देर बंद कर दो डिब्बा आने के बाद चालू करना लेकिन रैंडमाइजेशन कभी ख़राब नहीं करनी और जैसे कार्डिंग में नंबर से डिब्बा डाले फिर ब्रेकर में डाले फिर ब्रेकर से फिर जब निकलेगा लेफ्ट राइट का अपन मार्किंग करके रखेंगे तो लेफ्ट राइट का रखेंगे समझ लो आर एस पी में अपन ए एंड एन चल रहा है तो चार रहेगा लेफ्ट का चार राइट का तो बढ़िया हो जाएगा तो ये देखिए जैसे आर एस पी है ना आठ डिब्बा लगता है जैसे ये लेफ्ट साइड का लगा एक यहाँ राइट साइड एक लगा फिर इधर राइट साइड लगा एक डिब्बा फिर इधर लेफ्ट साइड लगा ऐसे करके चार डिब्बा इधर हो गया चार कैन इधर हो गया चार कैन तो बराबर इसको रैंडम ऐसे फॉलो होना चाहिए रैंडम ऐसे फॉलो करोगे आपको कभी भी फॉल्ट में नहीं आएगा वेरिएशन का नौ नंबर पॉइंट हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कॉम्बिनेशन मेंटेन इन रोबिंग ग्रेंडल जैसे अपन रोबिंग ग्रेंडल का टॉपिक पढ़ा थे लेफ्ट राइट right का कॉम्बिनेशन जैसे होता है ना जैसे राइट uh, साइड right में डार्क साइड जाएगा लेफ्ट साइड में लाइट साइड जाएगा वो जो कॉम्बिनेशन कभी अदला बदली नहीं करना उसमें करोगे तो साइड वेरिएशन आएगा बिल्कुल उसमें ध्यान रखना पड़ता है दस नंबर पॉइंट हो गया प्रेस मिक्सिंग प्रोपरली इन लेयरिंग रूम एंड टपलिंग रूम जो अपना मिक्सिंग बनाते हैं जैसे लेयरिंग हो गया कंप्लीट हो गया मिक्सिंग टाइम टाइम तो दबाते रहना लास्ट में बढ़िया से दबा देने का दबा देने से क्या होता है मटेरियल दब के पूरा कंपैक्ट हो जाता है जब काट के लेते हैं बराबर यूनिफॉर्मली कटता है और बराबर जाता है और लेयरिंग रूम टपलिंग रूम और फाइनल रूम तीनों जगह से अपन वर्टिकल कटिंग करके लेना है और प्रेस करके लेना है नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है नेप्स नेप्स क्या होता है देखो मिलाज की फाइबर में जो मिक्सिंग में प्रोसेस में ऐसा रहता है नेप्स के बारे में आपको समझाता हूँ मिलाज में नेप्स का कोई ज़्यादा इतना इंपोर्टेंस नहीं रहता नंबर ऑफ नेप्स में नेप्स का साइज बड़ा नहीं होनी चाहिए समझ लो अपना एक कपड़े के अंदर एक मीटर स्क्वायर मीटर में अपना नेप्स मिला 600 मिला और बिल्कुल बारीक बारिक छोटा छोटा नेप्स मिला वो कपड़ा पास हो सकता है अगर आपकी पचास नेप्स खाली दूसरा कपड़ा में मिला बड़ा बड़ा नेप्स मिला ना वो कपड़ा फेल हो जाएगा तो कोई ऐसा ये नहीं है लेकिन नेप्स का साइज बड़ा नहीं होनी चाहिए साइज बड़ा होने से क्या होता है वो कपड़ा का इफ़ेक्ट पूरा ख़राब हो जाता है तो कोशिश करें नेप्स कम आए और बड़ा साइज ना आए वो सबसे इम्पोर्टेंट है मिलाज में और नेप्स के बारे में इसको देखो नेप्स कैसे अवॉर्ड करेंगे यूज कर्टन वन ग्रेड हायर वन ग्रेड हायर क्या मतलब होता है जैसे आपको मैंने मिलाज प्रोसेस में बताया था सो मान अपन तीस काउंट बना रहे हैं तो तीस काउंट अपन ग्रे धागा बनाते हैं ना कभी कभी जे चौंतीस ले लेते ले ले हैं एच फोर ले लेते ले हैं लेकिन जब मिलाज बनाएंगे इसमें शक्कर सिक्स लेना पड़ता है सो मान चालीस काउंट बना छत्तीस काउंट बना, बनाना है छत्तीस काउंट में हम लोग क्या शंकर सिक्स लेंगे या एम सी यू फाइव ले लेंगे चालीस काउंट से एब हो गया वो एम सी यू फाइव ले लेंगे या डी सी ए थर्टी टू ले लेंगे और साठ काउंट में तो ओनली डी सी ए थर्टी टू या भार लक्ष्मी ले लेंगे जो बिल्कुल बढ़िया फाइबर है पैंतीस छत्तीस एम एम का लेंथ है माइक की थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट फाइव तक है ऐसे वाला कटन मतलब वन ग्रेड हमेशा एक्स्ट्रा लेंगे मतलब ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का लेंगे तो उसमें लेप्स कम आएगा दूसरा चीज़ हो गया इमाच्यल फाइबर या लो माइक टू अवॉइड इमाच्यूअल फाइबर मतलब अपना देखो कभी कभी अपन कर्टन टेस्ट करते हैं ना उसमें मैच्योरिटी कोई परसेंट आता है मतलब मैच्योरिटी मतलब हंड्रेड परसेंट से कितना परसेंट अपना मैच्योरिटी है तो कम से कम 82 टू परसेंट तो मैच्योर फाइबर होना चाहिए कर्टन में अगर उससे कम है तो बेल हालांकि आप रिजेक्ट कर लो चलेगा लेकिन ऐसे कर्टन लेना नहींचुअल फाइबर लोगे वो घोड़ा बन के नेप्स बन जाएगा बिल्कुल लेने का नहीं है एम्बाच्योर फाइबर और दूसरा चीज़ बताया लो माइक टू अफर्ड लो माइक मतलब हो गया जो माइक्रोनेव वैल्यू कम है जैसे समझ लो आपकी फोर पॉइंट टू का माइक्रोनेव वैल्यू ले रहे कोई कोई बेल समझ लो थ्री पॉइंट टू आ गया तो वो बेल का फाइबर बिल्कुल लेड़ा नहीं फोर पॉइंट टू के साथ अगर फोर पॉइंट टू का माइक ले रहो तो थ्री पॉइंट एट से चार पॉइंट दो तक चलेगा उसे कम वाला लेना नहीं तो थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट थ्री तो लेने का नहीं जितना कम माइक रहेगा उतना पतला फाइबर रहेगा वो प्रोसेस में वो मुड के नेप्स बन जाएगा कार्डिंग एंड कुंबर एनारी ये आपको बताया था कार्डिंग और कुंबर एनारी एनआर क्या होता है एनारी होता है नेप्स रिमूवल एफिशिय कार्डिंग का होता है पैंसठ से सत्तर और कोम्बर का होता है सत्तर से पचहत्तर मतलब एन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ इसे कार्डिंग में लो अपना पैंसठ से सत्तर लिखा तो कार्डिंग का स्लाइबर का अंदर जो नेप्स रहेगा और रॉ मटेरियल में जो नेप्स था तो रॉ मटेरियल नेप्स से कार्डिंग का नेप से कम से कम सत्तर परसेंट बढ़िया हो जाना चाहिए मतलब तीस परसेंट उसमें खाली नेप्स रहेगा चलेगा लेकिन सत्तर परसेंट रिमूवल हो जाना चाहिए तब तो जाके इसको अच्छा क्वालिटी बोलेंगे कुम्भर में ऐसे ही सत्तर से पचहत्तर परसेंट नेप्स रिमूवल हो जाना चाहिए तब तो जाके इसको अच्छा क्वालिटी बोलेंगे तो ये बीच बीच में चेक होना जरूरी है नहीं तो रॉ मटेरियल में अपना कार्डिंग का स्लाइबर में कुंभर की स्लाइबर में नेप्स रह जाएगा तो याद में आ जाएगा ऑटोमेटिक तो ये चेक होना ज़रूरी है बिटर स्पीड कार्डिंग सिलेंडर स्पीड लिक्विड स्पीड डप्फर स्पीड ये सब फ्लाट स्पीड ये सब क्या करना है इसको अपन प्रोसेस के हिसाब से सेट करें ऑप्टिमाइज करें जैसे समझ लो आपको मिला प्रोसेस में बताया था हैप्पी डार्क सेट में क्या क्या रहेगा सिलेंडर स्पीड डप्फर स्पीड डिलीवरी जो आर बोलते हैं एम पी वो स्पीड क्या रहेगा बिटर स्पीड क्या रहेगा तो जिस हिसाब से मटेरियल है उसी हिसाब से आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा समझ लो अपन पूरा हैवी डार्क सेट चला रहे और बीटर स्पीड बढ़ा दिए साढ़े आठ सौ नौ सौ कर दिए तो उसमें नेप्स बन जाएगा सिलेंडर स्पीड लिक्रिंग स्पीड ऐसे ही अपन को मेंटेन करके चलना पड़ेगा ताकि नेप्स नहीं बने और फ्लैट गेज फ्रंट प्लेट गेज अगर नेप्स ज़्यादा आता है तो अपन फ्लैट गेज हमेशा से टाइट सेटिंग रखें फ्रंट प्लेट गेज भी टाइट रखें ताकि नेप्स कंट्रोल होकर रहे हाई माइक फाइबर यूज इन लेसर परसेंटेज कंपोनेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मिला मिलांज का जो अपन बढ़ाते हैं नेप्स कंट्रोल का आपको मैंने इसके बारे में बढ़िया से समझा देता हूँ जैसे अपन कर्टन अपन परचेज करते हैं समझ लो शंकर सिक्स कर्टन अपन परचेज किए और एवरेज माइक आया फोर पॉइंट टू एवरेज माइक आया फोर पॉइंट टू तो जब परचेज के टाइम हम क्या करेंगे कटन जब ख़रीदते हैं सब 4.6, फोर पॉइंट सिक्स फोर पॉइंट फोर पॉइंट एट ये पाँच तक का माइक तक भी आता है कर्टन तो हम क्या करेंगे जब परचेजिंग टाइम में कटन का ये जो हाई माइक का जो कटन बेल है ना इसको अपन सेपरेट रख लेंगे सेपरेट रख लेंगे और सेपरेट रखने के बाद क्या होगा उसका अपन कोम्बर में चलाएंगे या कार्डर में चलाएंगे उसका जो स्लाइबर बनेगा इसको अलग से लिख के रखेंगे हाई माइक फाइबर तो उसको क्या करेंगे समझ लो आपके एक, एक सेट बना रहे हो 97 परसेंट ब्लैक है और 3 परसेंट ग्रे है तो ये चीज़ ध्यान रखिए अगर 97 परसेंट ब्लैक है 3 परसेंट ग्रे है अगर ब्लैक वाला फाइबर में नेप्स रहेगा तो दिखेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी उसका परसेंटेज नाइन्टी सेवन है अगर तीन परसेंट वाला में नेप्स रहेगा तो बहुत इजीली विजिबल रहेगा तो तीन परसेंट वाला जो फाइबर डालेंगे ग्रे वाला ए वाला डालेंगे हाई माइक वाला फाइबर को अपन कोम्बिंग करके रखेंगे वो तीन परसेंट वो डाल देंगे उसमें नेप्स ही नहीं रहेगा कपड़ा ख़राब नहीं होगा उसका उल्टा समझिए इसका उल्टा समझिए जैसे अपन पर 97 परसेंट ग्रे ले तीन तो परसेंट ब्लैक ले तो उस केस में क्या होगा देखो 97 परसेंट में लेवस रहेगा वो दिखेगा नहीं तीन परसेंट जो ब्लैक रहेगा उसमें आराम से दिखेगा तो उस केस में क्या करोगे ये जो तीन परसेंट ब्लैक है वो भी यही हाई माइक वाला फाइबर को कोम्बिंग करके अलग से रखेंगे वही तीन परसेंट वाला डालेंगे उसमें ब्लैक नेप्स बिल्कुल नहीं आएगा ये मिलान का फंडा है इसको बिल्कुल ध्यान रखिए हाई माइक का फाइबर हमेशा अलग से रखिए इसका अलग से प्रोसेस कीजिए तब जाके उसका ठीक रहता है उसके बाद हो गया कोम्बर टॉप वेस्ट सेग्रीसन कुम्बर का आप देखिए जो टॉप कॉम का अपना ऐसे पेंट्रेट करता है ना उसका नीचे एंटेगल होके पूरा शर्ट फाइबर रहता है उसका जो टप्पू है जो ऊपर जो ऑन ओवर क्लॉथ का नॉन ओवर क्लॉथ का टप्पू रहता है उसमें भी फ्लाइज पकता रहता है तो ये जो कुंबर का टॉप कॉम का वेस्ट है और अंडर क्लियर है ओस्ट ये दोनों छाट के अलग रखने का बिल्कुल अलग है कि टोकरी जैसा रख लीजिए जैसे सब्जी का टुकरी वगैरह रहता है ना उसी का अंदर रखने का और वो वेस्ट बिल्कुल फेंकने का झाड़ू के साथ वो बिल्कुल जहर जैसा रहेगा अगर इसको प्रोसेस में मिक्स करोगे वही नेप्स बन के देगा तो इसको सेग्रीगेट करके रखना पड़ता है हाई मॉइस्चर टू अवॉइड ये एक पॉइंट देखो हाई मॉइस्चर से क्या होता है जैसे समझ लो मॉइस्चर ज़्यादा है मॉइस्चर ज़्यादा होने से क्या होता है वो मटेरियल कार्डिंग में जब चलाएंगे ना वो चिपकेगा चिपकेगा तो चिपकने के बाद जब छूटेगा फिर बार बार चिपकेगा छूटेगा तो नेप्स बन जाता है वो गीला होने के कारण ज़्यादा चांस होता है नेप्स बनने का तो बिल्कुल हाई मॉइस्चर बिल्कुल लेना नहीं ये टारगेट ले लीजिए आठ परसेंट मॉइस्चर रखना है तो आठ परसेंट रखना है दस परसेंट बारह परसेंट बिल्कुल ले लेने का नहीं वो नेप्स बनने का एक कारण है कार्ड वाइज सैंपल कार्ड वाइज सैंपल क्या होता है समझ लो आपके कार्ड का अपना अपने, अपने पास बीस कार्ड अपन कार्ड वाइज सैंपल हर महीने एक बार सैंपलिंग हो जाना चाहिए समझ लो बीस कार्ड है एक कार्ड का अपन मटेरियल निकाले उसका रिंग तक चलाए इसका आई पी आई कराए तो उसमें मालूम पड़ेगा कोई वे आर जैसे ड्यू हो गया या डैमेज है हमको मालूम नहीं है तो उसका क्वालिटी खराब आएगा ऐसे कार्ड को अपन तुरंत सही कराए तो कार्ड वाइज सैंपल चेक करोगी तो मालूम पड़ेगा कौन से कार्ट डिफेक्टिव है और इसको अपन कैसे अवॉइड करेंगे ड्रॉप हेम बटम रोल गेज प्रॉपर ड्रॉप फेम ब्रेकर फिनिशर में आपकी फाइबर के हिसाब से बटम रोल गेज प्रॉपर रखना पड़ेगा समझ लो अपने गेज प्रॉपर नहीं रखा समझ लो पूरा टाइट गेज रखा तो ड्रॉप फैम में जो हुक खुलता है ना फाइबर का जो ट्रेलिंग हुक रहता है वो खुलेगा नहीं और वही नेप्स जैसा रेजल्ट दे दे देगा तो ड्रॉप एम गेज भी बराबर रखना पड़ता है वेस्ट परसेंटेज चेक इन ब्लोरूम कार्डिंग ये लास्ट पॉइंट है लेप्स का वेस्ट परसेंटेज क्या होता है जैसे समझ लो अपना ग्रे माल चलाते हैं उसके बाद तो डाइज भेजते हैं ना तो ग्रे माल में ब्लोरूम कार्डिंग का वेस्ट हर आठ दिन पंद्रह दिन में चेक होना चाहिए अगर चेक नहीं करोगे समझ लो वेस्ट परसेंटेज कम निकल गया और लेप्स वगैरह सब बनता रहेगा आगे चलाता रहेगा और इसीलिए इसको बिल्कुल ओस्ट परसेंटेज चेक करना पड़ता है पंद्रह दिन में दस दिन में कर लो जो स्टैंडर्ड अपन को मेंटेन करना है दस परसेंट हो या ग्यारह परसेंट उतना मेंटेन करना है और हर स्टेज का ऑफिस टेस्ट करना है ताकि कहीं फाइबर रक्चर तो नहीं हो रहा है कहीं नेपस्टर नहीं बन रहा है सारी डिटेल आपको मालूम पड़ जाएगा ऑफिस टेस्ट करना ज़रूरी है नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है कंटामिनेशन ये भी मिलान प्रोसेस का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर इसको अपन ध्यान नहीं देंगे तो ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है उस सेड का रिजेक्ट होने का बहुत चांस रहता है अगर कंटामिनेशन अपन ठीक से ध्यान नहीं दें सबसे ये चीज़ देखिए पहला पॉइंट है लट इज क्लीनिंग इन एवरी स्टेज मतलब अपन जैसे ही नया लट कोई चालू किए या मतलब बिल्कुल ग्रीन कलर का शेड चल रहा है पर ब्लू कलर लिए या रेड कलर लिए बिल्कुल कंट्रास्ट शेड है इसको हर जगह ब्लेंडर का ब्लोरूम का कार्डिंग का ड्राइंग सिम्पले रिम फ्रेम ऑटो क्रोम हर जगह परफेक्टली सफाई करना पड़ता है ज़रूरत पड़ता है तो मेंटेनेंस वाला को लगा के क्लीनिंग करना पड़ता है नहीं तो फिर वो पुराना माल का कंटेम्बनेशन नया माल में आ जाएगा दूसरा चीज़ रहा रेंजिंग इन कार्डिंग एंड ट्रफिंग रेंजिंग क्या होता है समझ लो पर एक कलर का सेट चला रहे हैं पहले से दूसरा कलर था तो उसमें कार्डिंग का अंदर ड्रिंग का अंदर सब फ्लाई वगैरह सब जमा रहता है जो आसानी से साफ नहीं होता तो कार्डिंग ड्राइंग में क्या करना है अपन को जिस कलर का सेट चलानी है उसी कलर का फ्लाटोस्ट फ्लैट टोस्ट अगर नहीं मिले तो उसी का मिक्सिंग का पाँच दस किलो चला लेगा मतलब तो रूम में कार्डिंग में और ड्रेन तक चला लेने का इसको वेस्ट बना देने का और उसमें लिख देने का रेंज मटेरियल वो अपना मिक्स मटेरियल में चला जाएगा लेकिन अंदर से पूरा क्लियर हो जाएगा कोई भी कंटेमिनेटेड फाइबर नहीं रहेगा ड्राफ्टिंग जोन क्लीनिंग ड्राफ्टिंग जोन क्लीनिंग है वो चेंज के टाइम में तो सफाई करनी है लेकिन बीच बीच में सफाई करनी है सम्भ लो रिम फ्रेम में आपकी एक हज़ार आठ स्पिंडल का मशीन है आपने तीन सौ बबिन अलग कलर का मटेरियल लिया तो तीन सौ बबिन जो होता है बराबर सफाई करके ब्रश में हैंड ब्रश में सफाई करके लेना है और जो शिफ्ट में जितना स्पिंडल बढ़ाएगा इसको रजिस्टर में मेंटेन करेगा कि समझ लो डेट हो गया एक तारीख एक बारह और रिम फ्रेम नंबर हो गया सम्भ लो दस स्पिंडल नंबर हो गया सम्भर लो एक से तीन तक अपन इसमें चेंज किए और रेजिस्ट्रे में लिख के रखेगा और कारीगर का जॉबर का सुपरवाइजर का सबकी साइन होगा तब जाके इसको अपन मानेंगे कि नटचेंज सफाई हुआ ड्रफ्टिंग जो क्लीनिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है पार्टीशन इन बिटवीन टू सेट्स समझ लो कार्डिंग में आप चला रहे हो एक साइड में काला माल चला रहे एक साइड में लाल माल चला रहे तो आमने सामने कार्ड में जो रहेगा लाल और काला वो फ्लाई कभी कभी उड़ के आता है तो उसके सामने पार्टीशन लगाना पड़ता है मतलब एक तीन सीट का लकड़ का फ्रेम जैसा रहता है सामने लगा देंगे तो फ्लाई नहीं आएगा और पर्दा भी कभी कभी बांधना पड़ता है नेटेड कंटेंट इन बिटवीन कंट्रेस्ट सेट्स कार्डिंग का अंदर ड्राॅइंग का अंदर सिम्प्लेक्स रिम फ्रेम में हर जगह कभी भी आपके अलग अलग का तरह का मटेरियल चल रहा है तो उसमें निटेड का कर्टन जो जाली वाला कर्टन होता है जिसे अपन मस्क्यूटो जाली जैसे बनता है ऐसे ही कर्टन आता है पूरा रूप से नीचे तक लेने का बांधने का जब कंट्रास्टेड चलेगा और नीचे से कम से कम इतना मतलब सवा फुट डेढ़ फुट का खाली रखने का ताकि एयर सर्कुलेशन के लिए और उसमें बढ़िया रहेगा कर्टन लगाने से प्रॉपर ड्राफ्टिंग जोन क्लीनिंग आर रिकॉर्ड टू मेंटेन ये आपको बता दिया ड्राफ्टिंग जोन का सफाई करनी इसका रिकॉर्ड मेंटेन करनी एसक्यू सी चेकिंग रिगार्डिंग क्लीनिंग ऑफ मशीन एसक्यू का जो इन्वेस्टिगेटर होता है आपके ड्राफ्टिंग जोन का सिप चेंज में सफाई है नहीं है वो चेक करेगा समझ लो बढ़िया सफाई एक्सीलेंट है तो ए ग्रेड दे देगा दे थोड़ा एवरेज सफाई है बी ग्रेड दे देगा और खराब है वेरी पोअर है तो सी ग्रेड दे देगा तो बी और सी ग्रेड तो अपन को रखना ही नहीं है ए ग्रेड रखना अगर किसी का सफाई के बारे में कमजोरी रहा ए ग्रेड नहीं मिला वो मशीन एस कृषि वाला को फुल्ली अथॉरिटी दिया जाना चाहिए वो बंद कर देगा सफ़ाई होने के बाद फिर चेक करेगा फिर चालू कराएगा तो सफ़ाई बहुत जरूरी है एस कृषि का आदमी इस पर पूरा शक्ति दिखाना पड़ेगा तब तो जाकर सफाई मेंटेन रहेगा कार्डिंग ड्रप एंड कैंस मस्ट क्लीन कोई भी नया लाट लेते कार्डिंग ड्रप का जो डिब्बा है क्या ने उसका अंदर से स्प्रिंग निकाल के बढ़िया से सफाई करके फिर डालने का ये सारी कारीगर का आदत पर डाल देना पड़ेगा कि बगैर डिब्बा सफाई करके डालना नहीं और रैंडमली इसको चेक भी करना है बराबर वो सफाई कर रहे नहीं कर रहे रूप क्लीनिंग मिलाज में क्या होता है अपन आपको पहले से पता है स्लाइबर का मिक्सिंग लगता है तो उसमें फ्लाई ज़्यादा जनरेशन होता है तो फ्लाई जनरेशन के कारण रूफ है जो छत है उसमें बहुत सारे फ्लाई जमा हो जाता है तो फ्लाई का रेगुलर इंटरवल भी सफाई कर देना ज़्यादा अकूमलेट करोगे कभी ज़्यादा जमा हो गया ऊपर तो जब गिरेगा एक साथ कंटेमिनेशन करके मटेरियल ख़राब कर देगा कर्टन क्लीनिंग कर्टन क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे अपन डिपार्टमेंट में जगह जगह पे कर्टन लगा है तो इसको क्या करेंगे इसको कर्टन को ऐसे पकड़ के हिलाएंगे नहीं हिलाएंगे तो फ्लाई गिर के फिर मशीन में फैल जाएगा क्या करेंगे जैसे समझ लो अपन एक मशीन एक नंबर है ये है दो नंबर एक बीच में कर्टन है ये हो गया कर्टन तो कर्टन जब ऊपर से नीचे तक रहता है तो क्या करना ये दोनों मशीन दस मिनट के लिए बंद कर लेगा बंद करके जो कर्टन है उस पर बटल प्रेस लेके इसे आराम से साफ करने का ऐसे खींच के फ्लाई सुबह नीचे गिर जाएगा दोनों साइड एक इधर साइड एक उधर साइड दोनों साइड से सफाई कर देने का वो डेली सफाई होनी चाहिए कटन का कर क्लीनिंग यूज पार्टीशन इन ऑटोकोनर एयर क्लीनिंग ऑटोकॉनर में जब अपन चार घंटे में यू आई सी गैस वगैरह प्रेशर मार के सफाई करते समझ लो ऐसे ही चीज़ है समझ लो एक नंबर ऑटोकॉनर है दो नंबर ऑटोकॉनर है अब यहाँ से एयर प्रेशर मार रहे एयर प्रेशर मार रहे तो यहाँ एक पार्टीशन रखना जरूरी है पार्टीशन रहेगा तो फ्लाई आगे नहीं जाएगा ये पार्टीशन रहेगा ये ऑटोकोनर सब लो एक नंबर ऑटोकोनर दो नंबर पार्टीशन रखना जरूरी है पार्टीशन नहीं रहेगा जहाँ से प्रेशर मारेगा दूसरा मशीन में जाएगा चिपक जाएगा तो पार्टीशन का बहुत जरूरी है नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट हो गया होल्स जैसे अपन लिटिंग में देखना कभी कभी कपड़े के अंदर जैसे छेद जैसा आ जाता है होल्स बोलते हैं इसको और उसके लिए नीडल भी टूट जाता है उसका दिक्कत क्या होता है देखो इसे प्रॉपर ओपनिंग अपन फाइबर का बराबर ओपन करके डाला है अगर ओपनिंग बराबर नहीं रहेगा और ओपन फाइबर रहेगा तो वो दिक्कत आता है दूसरा चीज़ है लो नेप्स नेप्स भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए नेप्स ज़्यादा रहेगा धा यान के अंदर जब वो नेडल का पास कोई बड़ा सा नेप्स फंस जाएगा वो टूट जाता है वही हॉन्स बन जाता है लो सी भी भी धागे का सी भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जैसे कोमड केस में अपन सी बी एक परसेंट से नीचे होना चाहिए कोम में और कर्डर में वन पॉइंट टू वन पॉइंट फाइव तक ज़्यादा से ज़्यादा कर्ड में इतना ही एन सी होना चाहिए उसे ज़्यादा रहेगा तो मोटा रहेगा कभी कभी आ गया हाई थिक वाला आ गया तो हाई थिक वाला भी वो होल बढ़ा देगा लो आई पी आई आई पी आई भी अपन को ज़्यादा नहीं चाहिए आई पी आई जो स्टैंडर्ड है उसके मेंटेन करके रखें आई पी ज़्यादा रहेगा बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा तो भी होल क्रिएट करेगा बैक रोल फ्लाई ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे समझ लो रिम फ्रेम के बैक रोल में ज़्यादा फ्लाई है तो फ्लाई होने के कारण क्या होता है तो बटन रोल का डाया बढ़ जाता है वो फिर क्या होता है जब डाया बढ़ जाता है बटन रोल का तो काउंट कोर्स आ जाता है काउंट कोर्स आने के कारण वो भी होल्स का प्रॉब्लम क्रिएट करता है प्रॉपर गेज ब्रेक ब्रेकड्राफ्ट इन ड्राफिंग सिम्पलेस ड्रॉप एम सिम्पल्स में गेज और ब्रेक ब्रेकड्राफ्ट फाइबर के हिसाब से बराबर लगानी पड़ती सम्भ लो अपन ब्रेक ब्रेकड्राफ्ट कम हो गया उसमें अनड्रप्टेड पोर्सन पास हुआ तो अनड्रप्टेड पोर्सन जब पास होगा तो धागा बनकर जाएगा वही मोटा पोर्सन जो रहेगा वो भी होल्स का दिक्कत जाएगा प्रॉपर स्पेशर स्पेशर भी बराबर लगानी है जो काउंट का जिस तरह स्पेशर साइज लगना चाहिए उतना लगाने का काम बिल्कुल अलाउ नहीं करने का काम रहेगा फिर दिक्कत जाएगा आ, उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जो पॉइंट है स्पाइरलिटी ये स्पाइरलिटी क्या होता है ये जिन्ना अपन डबल जर्सी में नहीं आता सिंगल जर्सी का कपड़ा रहता है ना टी शर्ट वगैरह जो बनता है उसमें देखना एक बार जैसे अपन पहन ले वो ऐसे शर्ट मैंने पहना ना ऐसे एक साइड मुड़ जाएगा एक साइड ऐसे टेढ़ा हो जाएगा टेढ़ा इसीलिए हो जाता है इसको स्पाइरल्ट बोलते हैं स्पायरल्ट क्या होता है टीपीआई टू फिक्स जैसे अपन टीपीआई और समझ लो अपन रिटेड वाला माल में पोन में थ्री पॉइंट सिक्स रखें तो थ्री पॉइंट सिक्स ही टी रहेगा उसे ज़्यादा कम नहीं करने का इतना फिक्स एक लाट को एक टी में चलाने का हाई टी पी वेरिएशन समझ लो अपने एक लाट थ्री में चालू किया और आपने बिना सोचे समझे इसको थ्री पॉइंट नाइन कर दिया या थ्री पॉइंट एट फाइव कर दिया तो ज़्यादा रेंज हो गया या कम कर दिया तो टीपीआई रेंज ज़्यादा फर्क रहेगा तो स्पायरल्टी का मेन कारण हो जाता है टी बिल्कुल ड्रेस्टिकली चेंज नहीं करना अगर थ्री पॉइंट सिक्स है थ्री पॉइंट सिक्स फाइव कर दिया थ्री पॉइंट फाइव फाइव कर दिया चलेगा पॉइंट फाइव ऊपर नीचे चलेगा उसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करने का हायर सी बी अभियान यान का सीबी जो होता है ना जिसे आप समझ लो अपन तीस काउंट बना रहे हैं अपन हायर सीबी ज़्यादा धागा मतलब मोटा पतला ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो तीस काउंट के ज़्यादा सत्ताईस काउंट भी पास करे चौंतीस काउंट भी पास करे तो उस केस में जब चौंतीस काउंट हो जाएगा उसमें टी एम अलग हो जाएगा सत्ताइस काउंट हो जाएगा टी एम ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में टी एम फर्क पड़ गया तो फिर इस आ जाएगा हाई रेंज ऑफ मशीन माइक यूज हाई रेंज ऑफ माइक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हाई रेंज माइक क्या होता है जैसे समझ लो आपकी जो फाइबर यूज किया चार आ, माइक का है और आपने उसमें तीन माइक का टू पॉइंट एट माइक का भी डाल दिया और साढ़े चार का भी डाल दिया जो ज़्यादा रेंज होता है ना तो कभी कभी जैसे पतला फाइबर जहाँ आया तो उसमें टी अपन को कम चाहिए फिर मोटा फाइबर आया उसमें ज़्यादा चाहिए अपन टी तो एक देंगे ना मशीन में तो कम ज़्यादा के कारण वो स्पाइरलिटी आता है तो माइक रेंज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जैसे समझ लो आप आपने चार का यूज कर रहे हो माइक यूज़ कर रहे हो तो थ्री पॉइंट एट से चार पॉइंट दो तक चलेगा दो पॉइंट नीचे दो पॉइंट ऊपर उससे ज़्यादा फर्क माइक यूज ही नहीं करना हाई रेंज ऑफ काउंट तो काउंट वो बताया था जो सी वाला केस में रेंज ऑफ काउंट मतलब जैसे काउंट में समझ लो अपन चालीस काउंट बना रहे हैं तो कम से कम अड़तीस से बयालीस तक चल जाएगा और उसे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो फिर वो स्पाइरलिटी का प्रॉब्लम देगा क्योंकि उस केस में भी टीएम फर्क आ जाता है हाई रेंज के कारण नेक्स्ट पॉइंट देखो एन सीबी अगर ज़्यादा रहेगा तो कपड़े का जो इफेक्ट है ख़राब दिखेगा बिल्कुल बढ़िया बड़, बड़, नहीं दिखेगा और सॉफ्ट भी नहीं रहेगा पेची पेची दिखेगा तो ध्यान रखो कोम्ड का यान जो है सी भी एक परसेंट से नीचे नीचे चाहिए अपन पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स पॉइंट एट तक रखेंगे उसे ऊपर नहीं जाने देंगे और काडेड का जो बिलो डेढ़ परसेंट डेढ़ परसेंट तो अपन बिल्कुल डोमेस्टिक वाला कंपनी को देते हैं लेकिन कार्डेड में भी वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू वन परसेंट तक रहना चाहिए तो बढ़िया रहता है सी भी बढ़ेगा तो कपड़े का अपीयरेंस ख़राब हो जाएगा तो इसको कंट्रोल करने के लिए रैंडम ऐसे रखना पड़ेगा कार्डिंग ड्राइंग सिम्प्लेक्स ड्राइंग तक पूरा जैसे एक समझाया था और वो कार्डिंग ड्राप रैपिंग रॉपिंग सी बी लो कार्डिंग ड्राप में जो सी बी होता है रैपिंग का कार्ड टू कार्ड रैपिंग ड्राइंग टू ड्राइंग रैपिंग ड्राइंग का अंदर का मतलब एक कैन के अंदर रैपिंग स्लाइबर टेस्ट वगैरह बराबर रहे ये सारी चेक चेक करके रखना पड़ता है ताकि रैपिंग वेरिएशन ना जाए बैक रोल फ्लाई बैक रोल फ्लाई समझाया था सिम्प्रेस का बटम रोल में रिम फ्रेम के बटम रोल में बैक रोल कभी कभी फ्लाई छिपक जाता है मोटा हो जाता है तो रपिंग भारी देता है भारी देता है तो जैसे हैवी रपिंग आ गया समझ लो आपके तीस काउंट का धागा बढ़ा एक अचानक से आ गया बाईस काउंट तेईस काउंट का आ गया बैक रोल फ्लाई के कारण वो कपड़ा पूरा इफेक्ट खराब कर देगा तो बैक रोल फ्लाई भी बीच बिज़ बीच में सफाई होनी चाहिए काउंट रेंज काउंट रेंज क्या होता है जिसे अपना आपको समझा जाता है जैसे चौबीस काउंट चल रहा है बिल्कुल से बीस काउंट या अट्ठाइस काउंट नहीं आ जाए चौबीस काउंट हो जाएगा बाईस काउंट या छब्बीस काउंट तक चलेगा ज़्यादा काउंट रेंज चाहिए नहीं उसके बाद आइए हायर आई हायर आई भी होता है ना तो कपड़े का बिल्कुल इफेक्ट ही खराब हो जाता है अगर आई ज़्यादा रहेगा मतलब नेप्स ज़्यादा रहा थिक ज़्यादा रहा थिन ज़्यादा रहा कपड़े का बिल्कुल अपेरेंस ख़राब हो जाएगा तो हायर आईपीआई तो मिलाज केस में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है आज़ पर काउंट एंड मटेरियल आईपीआई मस्ट विद इन स्टैंडर्ड सम्भ लो अपन तीस काउंट में अपन आईपीआई को ये के चूज किए अपन को तीस काउंट कैडेट में अपन को चाहिए साढ़े सात सौ चाहिए या सात सौ चाहिए तो उसका नीचे नीचे होनी चाहिए तीस काउंट कौन में अपन को सम्भ लो अपन को साढ़े सत्तर तक चाहिए तो उत्तरा तक चाहिए तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आई पी कम करने के लिए क्या करोगे देखो प्रॉपर स्पीड जो अपन मटेरियल के हिसाब से बिटर का स्पीड सिलेंडर स्पीड लिकरिंग स्पीड फ्लैट स्पीड डिलीवरी स्पीड ऑफ ऑल एरिया कार्डिंग का ड्राइंग का सिम्पलेस का रिम फ्रिम का डिलीवरी स्पीड जो है हर जगह उसी रेंज में रहे मतलब जो मटेरियल है उसी हिसाब से ज़्यादा डिलीवरी रखना नहीं ना आई पी खराब नहीं करनी वेस्ट परसेंटेज विद इन लिमिट वेस्ट परसेंटेज भी अपना कम से कम वेस्ट यूज हो और वेस्ट जमा भी ना हो लेकिन कोशिश करें वेस्ट ज़्यादा नहीं डाले मिलांज की सेड में अपने सात परसेंट से ऊपर वेस्ट सॉफ्ट वेस्ट डालते नहीं दो तीन परसेंट डाले बहुत बढ़िया है उसमें आई पी वगैरह का प्रॉब्लम नहीं रहेगा डफर सिलेंडर पेट्रोल वाश आप देखो जैसे अपना डायर्ड मटेरियल चलाते हैं वो ही रहता है तो डफर सिलेंडर फ्लाट उसका अंदर पूरा भर जाता है फ्लाई फ्लाई डाई का भर जाता है और उसमें नेप्स का बढ़ाता है नेक्स्ट बढ़ने का आई पे बढ़ जाएगा तो डफर सिलेंडर का बीच बीच बे पे पे में पेट्रोल में हैंड ब्रश करना पड़ता है ब्रश भी मारना पड़ता है स्ट्रिपिंग करना पड़ता है फिल्टर क्लीनिंग कंपैक्टर क्लीनिंग जो अपना ब्लोरूम कार्डिंग का जो फिल्टर है जिसमें अपना माइक्रो जाता है फाइबर जाता है फ्लाई जाता है उसको अपना चौबीस घंटे में एक बार फिल्टर का सफाई करना पड़ता है अगर सफाई नहीं करोगी तो कार्डिंग का अंदर से ब्लोरूम का अंदर से फ्लाई बराबर खींचेगा नहीं वही फाइबर घूम घूम के नेप्स बनाएगा तो डेली फिल्टर सफाई जरूरी है ड्रॉप एम फ्लाई रिमोबाइल ड्रॉप फेम जो ब्रेकर फिंसर का पता रहता है, है साइड में जो पंखा रहता है उसको क्या करना है पंखा हर आधे घंटे में एक बार निकाल के फेंकना पड़ेगा या हर ड्रप के टाइम में अपन निकाल देंगे तब जाके ठीक हो जाएगा फ्लाई निकालना जरूरी है प्रॉपर स्पेशर यूज सिंपलेस और रिंग फ्रेम में अपन काउंट के हिसाब से या रोबिंग हैंग के हिसाब से स्पेशर साइज बराबर लगानी पड़ती है स्पेसर छोटा भी नहीं चाहिए बड़ा भी नहीं चाहिए अगर छोटा ज्यादा होगा अनडेड आएगा बड़ा होगा तो अनडप्टेड तो नहीं आएगा लेकिन मोटा पतला धागा पास होगा तो स्पेशल साइज भी बराबर लगानी है गुड वर्किंग इन एवरी स्टेज हर स्टेज में वर्किंग बराबर रहे फ्लाई फ्लप नहीं उड़े क्योंकि ज़्यादा वर्किंग खराब रहेगा फिर मल्टीपुल ब्रेकेज होगा फिर उसमें बार बार स्प्लाइसिंग होगा ऑटोकॉल में वो फिर आई पी बढ़ता है रिंग ट्रैवलर चेंज इन टाइम रिंग ट्रैवलर शेड्यूल का जो टाइम है जैसे अपन दस दिन में एक बार चेंज करते हो दस दिन में होनी चाहिए ऐसा नहीं कि बारह दिन हो गया पंद्रह दिन हो गया उसे नेप्स बन गया फिर आई पी बढ़ गया तो ये सारी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आई पी को कवर करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए ब्लड वेरिएशन ब्लड वेरिएशन किस केस में आता है सब लोग कटन में बिस्कस मिक्स कर रहे हैं कटन में परिश्रम मिक्स कर रहे हैं तो ब्लेंड का जो रहता है परसेंटेज रहता है समझ लो अपन सत्तर तीस का ब्लेंड है तो इसमें ढाई परसेंट तक अपन प्लस माइनस चल जाएगा उससे ज़्यादा रहेगा फर्क रहेगा तो अपना कभी पास नहीं होगा कपड़ा तो ब्लेंड का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ समझ लो अपन सत्तर तीस का पी सी तो इस केस में क्या करेगा सत्तर परसेंट पलिस्टर तीस परसेंट कटन नहीं लेगा ले ले इसमें क्या करोगे पॉलिस्टर अपन ले लेंगे सिक्सटी नाइन परसेंट पॉलिस्टर ले लेंगे ले ले और कॉटन जब लेंगे इकतीस परसेंट ले लेंगे ले ले वो जब अपन प्रोसेस में जाएगा तो कॉटन लॉस हो जाएगा अपन बराबर ब्लेंड बैठ जाएगा तो मिक्सिंग लेने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा अपन परसेंटेज थोड़ा बढ़ा कर लेंगे कौन सा घटा कर लेंगे तो बराबर ब्लेंड बैठ जाएगा प्रॉपर काउंटर चेकअप वेट ऑफ कंपोनेंट जैसे अपन दो तीन वेराइटी का फाइबर ले रहे तो हर कंपोनेंट का वजन बराबर करके ले ब्लेड केस में नहीं तो ब्लेड अलग अलग क्वांटिटी पड़ गया तो ब्लेंड वेरिएशन आ जाएगा मच्छर सूर्नट हाई कर्टन फाइबर हो बिस्क हो जो भी है जो मच्छर ज़्यादा खिंचता है ना वो अगर फाइबर में ज़्यादा मच्छर रहेगा तो हमको दिक्कत जाएगा फिर वो जैसे सूख जाएगा तो उसका वजन कम हो जाएगा फिर वजन कम होने के कारण फिर सेड वेरिएशन से आएगा ब्लेंडर एंड ब्लोरम लाटिस वेस्ट यूज टाइम टू टाइम ये बारे में इसके बारे में बताया था एक बार आपको जो ब्लेंडर है या ब्लोरम लाटिस है उसका नीचे नीचे सबलो कर्टन पलिस्टर चल रहा है पलिस्टर ज़्यादा गिरेगा ऐसे ही पलिस्टर बिस्कर चल रहा है पलिस्टर ज़्यादा गिरेगा तो ज़्यादा जो साइड से गिर जाता है ना हर आधे घंटे में इसको निकाल के फिर लाटिस में बराबर फैला के डालना पड़ता है और आपने समझ लो आठ घंटे में एक बार निकाल कर डाला तो आठ घंटे में एक बार निकाल कर डालोगे वही जस्ट मिक्सअप बराबर नहीं होगा सेड वेरिएशन आ जाएगा कहीं परिस्टर ज़्यादा आ गया तो सेड वेरिएशन हो गया ब्लेंड चेक इन फिनिशर स्लाइबर स्टेज कोई भी बड़ी लट चालू करते हो ना तो जैसे अपना फिनिशर का ड्राइंग का डिब्बा निकला उसका तीन चार डिब्बा से थोड़ा थोड़ा सैंपल लेके उसका इस में दे देने का ब्लेंड टेस्ट कर देगा ब्लैंड टेस्ट ओके आ गया तो मेटेरियल आगे बढ़ाने का और ब्लड टेस्ट गड़बड़ रहेगा तो दिक्कत जाएगा उसके बाद देखिए रॉन्ग गेटिंग ये जो पॉइंट है ना ये बिल्कुल कारीगर के ऊपर डिपेंड करता है इसमें अपना कुछ फॉल्ट नहीं रहता लेकिन कारीगर को आपको अवेरनेस करानी पड़ेगी सबसे पहले तो डिस्प्ले बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा एक कलर का सेट चल रहा है ये मशीन में एक कलर का सेट चल रहा है ये मशीन में वो डिस्प्ले बोर्ड में बराबर रखने का लिखने का और वो जो मशीन में जो माल चलता है उसी कलर का बॉबिन वो मशीन के सामने रखने का ऐसे स्टैंड जैसा रहता है उसके सामने रखने का ताकि जैसे वो डपिंग होगा उसी बॉबिन को लेके गेटिंग मारेगा दूसरा कलर का बॉबिन लेगा नहीं और वो लेने से क्या पिन रखकर गेटिंग हो जाएगा रेगुलर मीटिंग विथ डफर एंड गेटर्स गेटर और डफर को बार 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 समझानी पड़ेगी लिखित में मीटिंग लेके उनका सिग्नेचर करनी पड़ेगी कि भाई ऐसे ऐसे तुम लोग गलत बॉबिन से गटिंग नहीं मारना गलत बॉबिन से गटिंग मारेगा तो रंग कटिंग आएगा रंग गटिंग आएगा कपड़ा में ऐसे लाइन जैसा दिखेगा सब लोग काला माल चल रहा है अपन दूसरा कोई कलर का मार दे पूरा ऐसे लाइन जैसा आ जाएगा एक मीटर डेढ़ मीटर का वो पूरा कपड़ा खराब कर देता है कंप्लेंट कट पीस मस्ट शो देम जैसे अपना रंग गटिंग का कभी कभी कंप्लेन आता है ना वो कपड़ा थोड़ा काट के रखने का मीटिंग में इनको दिखाने का कि रन गटिंग ऐसे आता है देखो और आपकी गलती के कारण ये रन गटिंग हो गया और इतना कपड़ा खराब हो गया इनको समझाना पड़ेगा कि टू स्पिंडल्स आइडल इन रिम फ्रेम इन ब्यूटीन टू लट्स जैसे रिम फ्रेम में समझ लो एक साइड में 504 चार स्पिंडल है अपन 300 स्पिंडल लिए एक, एक काला कलर का आगे का लिए अपन लाल कलर का तो 300 स्पिंडल के बाद में जो लाल कलर का लिए 300 से मतलब 301, 302, दो स्पिंडल पूरा खाली रखनेगा उस पर कुछ भी माल नहीं चालू करना दो खाली रखेगा तो गेटिंग मारते मारते जाएगा तो दो खाली रहेगा वहाँ रुक जाएगा फिर दूसरा कलर बॉबिन यूज़ करेगा अगर कंटिन्यू कंटिन्यूएशन में रहेगा ना दोनों मटेरियल तो ये काला मारते मारते आगे भी लाल में भी काला मार देगा तो इसको ध्यान रखने का और सबसे लास्ट पॉइंट हो गया छः नंबर पॉइंट जो अपने रिम फिरम का हाउस कीपिंग सही रखे हैं जैसे कोई बंडा बक्स है या ड्रफ्टिंग जोन के अंदर है जो अलग कलर का बोबिन रहता है ना इसको डेली डेली इसको सफाई करके भेजने का कोई गलत कलर का बोबिन मशीन के पास रखना नहीं रखेंगे तो रंग गटिंग का चांस ज़्यादा बढ़ेगा ये आपके मैंने मोटा मोटा सब कुछ सब, सब समझा दिया उसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखिए एक रहता है शर्ट क्वान्टिटी मैं लिखा नहीं पॉइंट में लेकिन आपको समझाता हूँ शॉर्ट क्वांटिटी क्या होता है समझ लो अपन मिक्सिंग लगाए अपन समझ लो अपन तीन टन का मिक्सिंग लगाए तीन टन का तीन टन का मिक्सिंग लगाए तो तीन टन का मिक्सिंग लगाए समझ लो अपन को अट्ठाईस सौ किलो का धागा देनी उसमें यान देना है समझ लो अपना ये सत्ताईस सौ किलो का या सत्ताईस सौ पचास किलो का अपने यान ले लिया उसके बाद माल खाली हो गया तो पार्टी का जो अपन कमिटमेंट किए है अट्ठाईस किलो का माल देनी है वो अगर सत्ताईस हो गया या साढ़े सत्ताईस सौ होगा हो पार्टी कभी भी राज़ी नहीं होगा तो उसके लिए क्या होगा फिर हमको पचास किलो का यान के लिए या सौ किलो का यान के लिए फिर सौ किलो या डेढ़ सौ किलो का मिक्सिंग फिर लगाना पड़ता है तो कभी कभी तो मैंने देखा दस किलो पंद्रह किलो का भी मिक्सिंग लगानी पड़ती तो शॉर्ट क्वान्टिटी आता है क्यों शॉर्ट क्वांटिटी इसीलिए आता है अपना जब प्रोसेस पे चलाते मटेरियल अननेसेसरी सब वेस्ट बन जाता है या रिम फ्रेम में चलाते नीमोफिल बयान बन गया मैं तो ये बोलता हूँ शॉर्ट क्वांटिटी नहीं आने के कारण एक रहेगा आप तो बराबर वजन करके मटेरियल लो हाई मॉइस्चर वाला मटेरियल लेना नहीं दूसरा चीज़ हर स्टेज में वर्किंग सही रखो और सब वेस्ट हर स्टेज में हाथों तो हाथ तो यूज करो लेके मिक्सी में लेके डालते रहो और उसके बाद रिम फ्रेम में वर्किंग जो बढ़िया रहता है वही रखने का कोई स्पीड टारगेट नहीं अगर आपकी पंखा बनता है नीमाफिल फैन वोस्ट बनता है तो इसको बेटर स्पीड कम कर दो जहाँ बढ़िया चलता है थोड़ा स्पीड बढ़ा दो लेकिन स्पीड ज़्यादा रख के नीमाफिल फैन वोस्ट बढ़ा दोगे तो आपकी कभी भी शर्ट क्वान्टिटी आप पूरा नहीं कर पाओगे तो शर्ट क्वान्टिटी पूरा करना फिर दोबारा मिक्सी लगाओ फिर डिलीवरी लेट होगा दुनिया भर की बीमारी होता है तो शॉर्ट क्वांटिटी ऐसे अवॉइड कर सकते हो और ये लास्ट पॉइंट हो गया और ये पॉइंट ख़त्म करने से पहले एक चीज़ बताता हूँ आप लोग जो अब में से कोई व्यूअर मेरे को बार बार मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर मांग रहे है। तो मैं इसको आपको दे नहीं पा रहा हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पेज में संपर्क करिए आपको मिल जाएगा उसका कमेंट दीजिए मैं पूरा कंप्लेन वगैरह सब सॉल्व कर दूंगा लेकिन नंबर नहीं दे पा रहा हूँ उसके लिए सॉरी ठीक है थैंक यू